किया। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका नुंगो ने मदरसों पर चिंता जताई है। 70 साल बाद भी देश में कोई नीति नहीं दिख रही, मदरसों में बुनियादी सुविधाओं की कमी दिखाई पड़ रही है। देहरादून में प्रियंका नुंगो ने राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष के रूप में मदरसों का निरीक्षण किया और उन्होंने मदरसों की स्थिति पर चिंता जताई है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंका नुंगो। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के मदरसों में उत्तर प्रदेश और बिहार से लाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका नुंगो ने देहरादून के कारगी ग्रांट स्थित कुछ मदरसों का औचक निरीक्षण कर खुलासा किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका नुंगो उत्तराखंड पहुंचे थे। उन्होंने यहां कई मदरसों में जाकर निरीक्षण किया। उसके बाद सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देहरादून में 3 ऐसे मदरसे पाए गए जहां बाहर से लाकर बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है। इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चे शामिल हैं। इन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अल्पसंख्यक विभाग को 15 दिन का समय दिया है। उसके बाद पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। आयोग ने जब निरीक्षण किया तो देहरादून के मदरसे वली उल्लाह दहलवी व मदरसा दारुल उलूम के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इनमें न सिर्फ अन्य राज्यों के बच्चे पढ़ रहे हैं बल्कि इनमें बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। जहां बच्चे सोते हैं वहीं खाना बनता है, जहां दीनी तालीम पढ़ते हैं वहां लोग नमाज भी पढ़ने आते हैं। सचिन कुमार लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन, कब से कब तक ये उन्होंने दौरा किया, कितने मदरसों का दौरा किया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष जो है, जो प्रियंका नुंगो है, उन्होंने जो है सोमवार को जो है सचिवालय में, जो उत्तराखंड का सचिवालय, वहां पर बैठक करी थी, जिसमें जो है फिर वो जो है देहरादून के जो मदरसे हैं, 3 मदरसे हैं, वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया था। निरीक्षण में जो है जो बच्चे पाए गए वो बिहार और उत्तर प्रदेश से लाए गए बच्चे थे, जहाँ पर जो है उनको जो है मदरसों में जो है मदरसे की शिक्षा दी जा रही थी, जिसको लेकर जो है उन्होंने जो है कई प्रश्न खड़े किए हैं। सरकार पे भी उन्होंने जो है प्रश्न खड़े किए हैं। और जो आपका जो है यहाँ पे अल्पसंख्यक विभाग है, उसको जो है 15 दिन का अल्टीमेट दिया है। इस पर जो है अभी जांच चल रही है, पुलिस भी अभी इस पर जाँच कर रही है, क्योंकि ये जो बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, इससे पूरी जब तक की पूरी रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। वहीं बात करें तो एक मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो मदरसा है ये एक अरबिक शब्द है और ये जो है इसका हिंदी जो अनुवाद होता है वो स्कूल होता है। लेकिन मदरसे में किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि ऐसा मामला पहले भी आया था कि जो हिंदू बच्चे हैं वो मदरसों में जो है आपका जो है ये इसे मदरसे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अगर हाँ, अगर वहाँ पर मुस्लिम शिक्षा दी जा रही है, हिंदू बच्चों को मुस्लिम शिक्षा दी जा रही है, तो वो गलत है। अगर वो एक स्कूल के तौर पर वहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो इस पर जो है इस पर भी जाँच करी जाएगी। लगातार जो है इस पर जो है प्रशासन जो है अभी जांच कर रहा है और जो अल्पसंख्यक आयोग है उस पर जो है उसको जो है 15 दिन का जो है अल्टीमेट दिया गया है आगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सरकार भी जो है मदरसों को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इस प्रकार के अगर मदरसों में कोई इस तरीके का मामला आया है तो इस पर जो है जाँच करी जा रही है। जी, उत्तराखंड सरकार से क्या कुछ पूछा है उन्होंने? अभी देखिए, मैं जिस तरीके से बताना चाहूंगा, अभी जो है जो बैठक हुई थी एक जो है एक स्कूल को लेकर, मैं मामला बता देता हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट मामला हो जाएगा, लेकिन हमें फोकस जो है मदरसों पे करना है। स्कूल को लेकर बैठक हुई थी जिसमें जो है जो जिले के जो DM है उनको जो है अल्टीमेट दिया गया है, स्कूलों को लेकर जो लापरवाही चलती है, मुख्यमंत्री को भी जो है तलब किया गया है, दिल्ली के लिए तलब किया गया है। वहीं मदरसों की बात करें तो जिस दिन जो यहाँ पर आए थे जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष थे, वो देहरादून में आए, उन्होंने जो मदरसे हैं देहरादून में जो माजरी में जो 3 मदरसे वहाँ पर जाके उन्होंने जो है जांच करी। इस प्रकार का जो मामला है सामने आया, जो 96 बच्चे हैं, कुछ मदरसे आपके हरिद्वार में भी है, कुछ बच्चे जो हैं हरिद्वार में भी हैं जो जहाँ पर जो है जो शिक्षा ग्रहण के मदरसों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इस पर जो है जांच का विषय है, अभी इस पर जो है प्रशासन जांच करेगा। यानी केवल मदरसे चलते रहे, इसके लिए बाहर के राज्यों से बच्चों को लाकर इन मदरसों को चलाया जा रहा है, इतने बच्चे उत्तराखंड में नहीं है जो कि इन मदरसों में जाएं, क्या यही एक बड़ा एतराज उनका सामने आया कि मदरसे भरे हुए दिखाने के लिए बाहर के बच्चों को यहाँ पर लाया जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से जो वो जो है वहाँ पर गए, उन्होंने निरीक्षण किया, लेकिन अभी जो है इस पर जो है सरकार भी जांच करेगी, जो
अल्पसंख्यक को जो है 15 दिन का अल्टीमेट दिया है, वो भी इस पर जांच करेगा और जो प्रशासन जांच कर रहा है। अगर इस प्रकार का जो है कोई मामला पाया जाता है कि हिंदू जो हिंदू बच्चे